जिला सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आज 24 नवंबर 2020 को मुकेश कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए आगामी 12 दिसंबर 2020 को होने वाले ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैठक की गई। इस बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक के साथ अन्य बैंक के पदाधिकारी, इंश्योरेंस के पदाधिकारी, माप तौल विभाग के प्रमंडल, वन पदाधिकारी, विद्युत पदाधिकारी तथा अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उनके ईडी तक को फायदा होते हैं, उनके सीएमडी तक को, कि भाई हाँ आपने एक अच्छा केस सेटल किया, और खुद जब कर रहे हैं वो तो आपका रूल है, उसको कर नहीं करना, लोग का क्यों बनाया गया, अगर आप तो कर ही रहे तो क्यों बनाया गया फिर। आगामी सर 12 दिसंबर को होने वाले ऑनलाइन लोक अदालत जो इस बार किया जा रहा है सर, इसके लिए क्या सर प्रक्रिया अपनाई जा रही है सर, इसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये पूरी तरह वर्चुअल मोड में होगा, और वर्चुअल मोड सामा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा, उसके उसी के सहयोग से किया जाएगा। इसमें लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे हुए अपने मोबाइल के माध्यम से अपने केस का निष्पादन करा सकते हैं। जो भी सुलहनीय वाद होगी, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, आपराधिक मामले हो, या विद्युत विभाग से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस संबंधित हो, सभी वादों का जो सुलहनीय होंगे सभी का निष्पादन इस वर्चुअल मोड के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोजपुर आरा के निर्देशानुसार आज सभी विभाग के, लगभग सभी विभाग के अधिकारी से इस संबंध में बैठक की गई, और जिसमें इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट विभाग, वेट मेजरमेंट, चाइल्ड लेबर और अन्य विभाग से संबंधित बैंक के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। और इस वर्चुअल मोड में आयोजित की जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में पूरी प्रक्रिया की उन्हें जानकारी दी गई है, जिससे कि लोक अदालत के दिन कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, और लोग को भी, आम पब्लिक को भी जो अपना मुकदमे का निष्पादन करना चाहते हैं उनको भी काफी सहयोग मिले, और आने वाले समय में भी जो विभाग और बचे हैं उनके लिए भी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, और आम पब्लिक को भी इस हेतु, दिशा निर्देश हेतु कि कैसे, किस तरीके से उनके वाद का निष्पादन किया जाएगा, उनको भी जागरूकता के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, और मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से उनका वाद का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।